राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। महिला समन्वय की ओर से पूरे देश में प्रत्येक विभाग की ओर से सम्मेलन की योजना बनी है। ये सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिला समन्वय के कार्यों को विभाग स्तर तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य विविध क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से संपर्क करना, उनको एकत्रित कर अपने विचार पहुँचाना, महिला विषयक पर चिंतन और विचार विमर्श करना है, साथ ही उन्हें संगठित रूप से अनुभव कराना है। भारतीय संस्कृति और भारत के उत्थान के लिए प्रत्येक मातृशक्ति चिंतन करे, और इस विषय को ध्यान में रखते हुए महिला समन्वय की ओर से ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन 17 दिसंबर को कृष्ण बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और वैचारिक कार्यों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, जिससे समाज और देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। इस सम्मेलन में प्रख्यात वक्ता के रूप में गुजरात से काजल हिंदुस्तानी, डॉक्टर सुमेधा साध्वी जयंती भारती जी और महिला पायलट नम्रता चंडी जी का संबोधन रहेगा। ये सम्मेलन निश्चित रूप से मुरादाबाद विभाग की हर वर्ग की महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने का काम करेगा। ये जानकारी विभाग महिला समन्वयक निवेदिता मित्तल, प्रांत प्रतिनिधि डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा और विभाग सह संयोजिका सीमा शर्मा ने विस्तार से दी। इस बारे में विभाग की सह संयोजिका सीमा शर्मा, राजुल, श्रीमती अल्पना गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, प्रिया जैन, मदालसा शर्मा, पूजा चौहान, कशिश चौहान आदि उपस्थित रहे। सम्मेलन का पूरा विवरण देते हुए विभाग संयोजिका निवेदिता ने बताया कि सभी महिलाओं के साथ होने वाले स्त्री विषयों पर संवाद स्थापित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य पूरे राष्ट्र की महिलाओं की विभिन्न स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आह्वान करना है। ये मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मुरादाबाद विभाग से। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में महिला समन्वय की ओर से पूरे देश में विभाग महिला सम्मेलन की योजना बनी है। ये सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिला समन्वय के कार्यों को विभाग स्तर तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्र से कार्यरत महिलाओं से संपर्क करना, उनको एकत्रित कर अपने विचार पहुंचाना, महिला विषयक पर चिंतन और विचार विमर्श करना और उनको संगठित रूप का अनुभव कराना, भारतीय संस्कृति और भारत के उत्थान के लिए प्रत्येक मातृशक्ति चिंतन करें, इस विषय को ध्यान में रखते हुए महिला समन्वय की ओर से ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन 17 दिसंबर को कृष्ण बाल विद्या मंदिर मुरादाबाद मंगूपुरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और वैचारिक कार्यों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, जिससे समाज और देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा क्या टारगेट रहेगा, कितनी महिलाएं इसमें शामिल होने वाली हैं? हमारा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 1500 महिलाएं अपेक्षित हैं। कौन कौन वक्ता इसमें रहने वाले हैं? हाँ जी, इसमें गुजरात से राष्ट्रीय समाज सेविका काजल हिंदुस्तानी जी रहेंगी हमारे उद्घाटन सत्र में, डॉक्टर सुमेधा जी रहेंगी जो चोटीपुरा गुरुकुल विद्यालय से हैं, और पायलट रहेंगी वायुसेना पायलट रहेंगी, और हमारी साध्वी जयंती भारती जी वक्ता के रूप में रहेंगी इस कार्यक्रम में। क्या मकसद रहने वाला है इस कार्यक्रम का? हमारा इसमें यह है कि नारी का नारी से साक्षात्कार, यानी उसकी शक्तियों और सामर्थ्य से पहचान करवाना हमारा उद्देश्य। हमारा आगमन और जलपान रहेगा, उसके बाद 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमारा उद्घाटन सत्र रहेगा, और इससे पूर्व एक बहुत सुंदर और पूरी राष्ट्र की और भारतीय महिलाओं की एक प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत ही सुंदर कलात्मक उत्कृष्ट कला का परिचय देते हुए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जलपान के उपरांत हम उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र में काजल हिंदुस्तानी जी और डॉक्टर सुमेधा जी का हमारा मुख्य उद्बोधन रहेगा। उसके बाद हमारा चर्चा सत्र होगा। ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि वो जो हमारा चर्चा सत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं इस सम्मेलन में भागीदार होंगी उन सभी से संवाद स्थापित करने का हमारा प्रयास रहेगा। वो चर्चा सत्र जो होगा वो 4 भागों में रहेगा, उसमें महिलाओं से संबंधित जितने विषय हैं उनकी भागीदारी को लेकर, उनकी बौद्धिक क्षमता को लेकर, राष्ट्र और परिवार के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार उनकी संतानें एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, इन सभी विषयों पर उनके साथ जो चर्चा सत्र रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास रहेगा, और उसके बाद हमारा समापन सत्र रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे हमारे इसमें,
और इस पूरे सम्मेलन का जो जो समन्वय सम्मेलन है उनका तात्पर्य केवल इस सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी जितनी भी हमारी महिलाएं इसमें भागीदार होंगी उनसे लगातार संपर्क स्थापित रहेगा और समाज के लिए जो उनकी भूमिका है, चाहे वो पारिवारिक महिला हैं, चाहे वो कामकाजी महिला हैं या अलग अलग व्यवसाय में जुड़ी हुई हैं, उन सभी को ये भी भान कराना है कि उनके व्यवसाय के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में उनके माध्यम से क्या भूमिका हो सकती है। अच्छा, इनकी किस उम्र से, कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो चर्चा सत्र होंगे उसमें प्रयास रहेगा कि आयु के अनुरूप अगर एक श्रेणीबद्ध तरीके से और उस श्रेणी के अनुसार ही उनके साथ विषय और चर्चा रखी जा सके। मुरादाबाद में कितने समय बाद इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? मुरादाबाद में ये एक्चुअली महिला समन्वय के जो जितने भी कार्यक्रम हैं ये पूरे देश में अभी आरंभ हुए हैं, जो कि नवंबर से शुरू हुए थे और मुरादाबाद विभाग का 17 दिसंबर को है। पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विभागों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुरादाबाद का अपना इस विभाग का कार्यक्रम 17 दिसंबर को है।